मध्य प्रदेश का, जहां मिनी मुंबई इंदौर से हमारे सहयोगी हेमंत नागले हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हेमंत, आज के दिन इंदौर में क्या कुछ खास रहने वाला है? जी देखिए, आज सबसे बड़ी खबर तो यही है कि मौसम ने वापस से उलटफेर करा है और जी जैसे ही रविवार को लगभग 3 बार बारिश और 3 बार तेज धूप निकली थी, वहीं कल दिन भर का जो मौसम रहा वह मिला जुला, लेकिन आज सुबह से धूप है, ठंडी हवाओं का दौर शुरू है। वहीं डॉक्टरों की माने तो छोटे बच्चे और बुजुर्गों को इससे काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जहां शहर भर में एक बार फिर सर्दी बुखार से आम जीवन त्रस्त हो गया है। वहीं डॉक्टरों ने सलाह दी कि जैसे ही आपको सर्दी और बुखार के लक्षण हो, वैसे ही तुरंत नजदीक के स्वास्थ्य केंद्र में या अपने निजी डॉक्टर को दिखाए। वहीं वायरल के चलते जहां कई छोटे बच्चों में सर्दी खांसी और बुखार देखा जा रहा है, वहीं राहत भरी खबर यह है कि जिस तरह से कोविड के मरीज अचानक से इंदौर में बढ़े थे, वापस से कल देर रात का जो बुलेटिन था, मात्र 2 मरीज कोविड पॉजिटिव आए हैं, तो यह राहत की खबर है। लेकिन जो मौसम का उलटफेर है, वहां एक बार फिर आम व्यक्ति में सर्दी बुखार के लक्षण देखे जा रहे हैं और वायरल एक बार फिर से फैल रहा है, क्योंकि ठंडी हवाएं हैं, शरीर यह तापमान को टेम्परेचर को सेट नहीं कर पा रहा है कि करे तो क्या करे। वहीं शनिवार को जो इंदौर में हिट एंड रन का मामला सामने आया था, जिसमें शराब कारोबारी ने 2 लोगों को सड़क हादसे में मौत के घाट उतार दिया था, जिसमें एक 6 साल का मासूम और एक 45 वर्षीय उसके परिवार का सदस्य था। दोनों की मौत के बाद देर रात लगभग 1 बजे करीब शराब व्यवसायी को टुकुगंज पुलिस ने पकड़ लिया। पुलिस का कहना था कि आरोपी विदेश भागना चाह रहा था, जिसके चलते वरिष्ठ अधिकारियों से यह पूरे मामला संज्ञान में आया और व्यापारी को फिर से गिरफ्तार किया है। वहीं कुछ ही देर पहले चंद्रनगर थाना क्षेत्र के जिला अस्पताल में एक दूध व्यवसायी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, और सबसे बड़ी बात यह है कि उसकी बहन की आज डोली उठने वाली थी, लेकिन वह पूरा घर जो है कि मातम के दुख में वह घर चले गया है। तो चंदन नगर थाना क्षेत्र का विशाल चौधरी नामक यह दूध व्यवसायी फांसी लगाकर उसने आत्महत्या कर ली। पुलिस कारण की तलाश कर रही है, लेकिन घर में जहां खुशियां देर रात तक ढोल नगाड़ों पर सभी पूरा परिवार नाच रहा था, लेकिन सुबह होते होते वह खुशियां मातम में बदल गई। जी बिल्कुल, तो काफी जुर्म की खबरें भी इंदौर से सामने आई हैं। हेमंत, वहीं यदि हम किसी राजनीतिक गतिविधि की बात करें, तो क्या किसी तरह का पॉलिटिकल मूवमेंट आज इंदौर में देखने को मिलेगा? जी देखिए, राजनीतिक मूवमेंट आज कुछ भी शहर में नहीं है, बिल्कुल शहर शांत है, लेकिन एक बार फिर विधानसभा चुनाव से पहले जितनी भी विधानसभा सीट है उनको लेकर कार्यकर्ताओं में काफी जोश दिखाई दे रहा है। कुछ सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहे हैं कि 1 नंबर से 5 नंबर तक की विधानसभा विधायक जो है, तो लंबे समय से इन विधानसभाओं पर राज कर रहे हैं, शायद तक संगठन उनकी गद्दियों पर पलट फेर करे, लेकिन यह केवल सोशल मीडिया की बात है, क्योंकि जो सूत्र बता रहे हैं कि लगातार जो बैठकों का दौर चल रहा है, भाजपा के कई विधायक है जिनकी विधानसभाएं बदल सकती है। हम नाम इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि यह सोशल मीडिया के ही है, क्योंकि सभी विधायक दिग्गज है और एक ही सीट पर लड़ने के कारण जो उतना आम जनता में एक तरह से रुझान भी कहा जा सकता है। लेकिन इस बार पार्टी जहां लगातार यह चल रहा है कि उम्र को लेकर पार्टी इस बार टिकट नहीं देगी, परिवार में इस बार टिकट वितरण नहीं होगा, आने वाले समय में देखना होगा कि सीएम शिवराज सिंह चौहान और संगठन इस पूरे मुद्दे पे किस तरह से अपना रुख व्यक्त करता है। तो भाजपा ने बूथ लेवल तक अपनी तैयारी कर दी है, लेकिन कांग्रेस अभी भी बैकफुट पर है। विधानसभा चुनाव का यह वर्ष है और उन्हें तैयारी शुरू कर देना चाहिए, लेकिन अभी तैयारी के नाम पर कांग्रेस के पास कुछ नहीं है। उनके जो गिने चुने कुछ चेहरे है वही आला कमान से बात करते हैं और इंदौर में अपने राजनीति गरमाते हैं। जीतू पटवारी की बात की जाए तो जो सीधे के सीधे दिल्ली में बड़े नेताओं के पास उनकी बैठक है, तो वह हर समय प्रदेश सरकार को जहां समर्थन मूल्य को लेकर घेरा करते हैं, लेकिन कांग्रेस केवल एक ही नेता है जो हमेशा से इसी तरह से बयानबाजी करके मीडिया में आ जाते हैं। वही बात की जाए अगर विधानसभा क्रमांक 1 के जो कांग्रेस विधायक थे संजय शुक्ला, वह भी अपने जो उनका जो इंदौर का पैटर्न है कि यहाँ पर कथाएं आयोजन और धार्मिक आयोजन के चलते आम जनता को अपनी ओर खींचना तो वह चल रहा, तो कांग्रेस के कुछ ही विधायक है जो कि जनता को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद कांग्रेस पूरी की पूरी अभी इस बार चुनावी माहौल में दिखाई नहीं दे रही। आने वाले समय में कांग्रेस आगे रह के रहा है और बीजेपी को कुछ टक्कर दे पाए। जी बिल्कुल, तो बीजेपी की तो काफी गतिविधियां, लेकिन कांग्रेस को यदि देखा जाए तो फिलहाल शांत है, लेकिन क्या तूफान के पहले की खामोशी है, ये देखने वाली बात होगी। हेमंत।